पार्टिकल फिजिक्स में क्या होता है, जैसे हम अगर लेते हैं, अगर हमें एनिमल्स को पढ़ना पड़ता है तो बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। इन द सेम वे अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी होती है तो बेसिक यूनिट होता है या तो एटम या एलिमेंट। एटम एलिमेंट किसे बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसे बनते हैं, उसके भी अंदर जाते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं क्वार्क से, एंड इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन से। और उसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रॉन, बोसॉन्स एंड बोसॉन पार्टिकल्स। एंड अगर लेकिन एज एन अगर हमें पता चले कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसे बनते हैं, दैट इज फ्रॉम क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्रॉम क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसलिए जो पार्टिकल फिजिक्स को हम एनर्जी स्टडी भी बोलते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर बहुत सारे एक्सेलरेटर बनाते हैं। और पार्टिकल फिजिक्स में हम सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो एटम्स एटम्स के अंदर क्या है उस लेवल पे जाते हैं, हम इसको पढ़ते हैं क्या, बिकॉज वी वांट टू नो द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कहाँ से पैदा हुआ, वी वांट टू नो दैट। एंड जैसे बहुत सारी थ्योरीज है, इवेंट होराइजन, स्टैंडर्ड मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी, 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ये क्या है, इवेंट होराइजन, स्टैंडर्ड मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी, ये बताते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इज द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हम जीरो की बात करें, वॉट इज जीरो, सो जीरो क्या है, समथिंग दैट वी कैन नॉट डिफाइन, जीरो इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डिफाइन। तो जीरो में दो चीज़ें होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड दोनों मिलकर क्या बनाती है, न्यूट्रॉन मीन जीरो, एंड पॉजिटिव होता है मैटर, एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें नेगेटिव होता है एंटी मैटर। तो मैटर का ही अपोजिट एंटी मैटर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो जैसे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है एंड बिल्कुल अपोजिट है। इसमें तो मास सेम होता है, बस चार्ज अलग है, तो बिल्कुल सेम होता है, बस चार्ज अलग होता है। तुमने सन एक्सपेरिमेंट किया है, सन में SERN, ये फ्रांस के जेनेवा में एक जगह है, सन जमीन के अंदर, यहाँ पे हमने रखा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एंड हमने आर्टिफिशियल तरीके से एंटी मैटर बनाया है, इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च हुए हैं। तो एंटी मैटर से हमें पता चल सकता है कि हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ यूनिवर्स का। सो दैट एंटी मैटर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव प्रोड्यूस इट आर्टिफिशियली थ्रू द सन एक्सपेरिमेंट थ्रू द यूज ऑफ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो ये एंटी मैटर मैटर की थ्योरी बताती है, अगर ये हमारे यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है, अगर इसमें पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे कोई ऐसा यूनिवर्स होना चाहिए, दूसरा यूनिवर्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा अर्थ है, यहाँ पे जो ग्रेविटी है अंदर की तरफ लगती है, मतलब हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो दूसरा एंटी यूनिवर्स होना चाहिए, जहाँ पे जो अर्थ हो वहाँ पे ग्रेविटी अपोजिट साइड लगनी चाहिए। तो ये होता है मैटर या एंटी मैटर। सो थ्रू दिस थ्योरी वी कैन फाइंड फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट ओरिजिनेटेड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जैसे आप एग्जांपल लो, छोटा सा कैप है, पैन का कैप है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी होगी, बहुत सारी चीज़ें भरी होगी, तो एकदम एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसे हुआ था बिग बैंग थ्योरी में कि एकदम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, छोटी सी जगह में बहुत हाई डेंसिटी में चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड थी, फिर बहुत ज़्यादा ये एकदम एक्सप्लोर करी, तो सारा मैटर ये एक्सप्लोजन से बाहर आया। एंड ये हुआ अराउंड, अगर टाइम इसका बताते हैं, इट हैपेंड अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। एक्सप्लोजन ये कंटिन्यू रहा फॉर 5 to 6 बिलियन ईयर्स तक, ये एक्सप्लोजन कंटिन्यू अभी भी हमारा यूनिवर्स है, वो एक्सपेंड कर रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या था, डार्क था, कोई भी स्टार जैसी चीज़ नहीं थी, तो कहीं भी लाइट नहीं थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे 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 डेंसिटी कम होती गई एंड डेंसिटी कम होती गई एंड टेम्परेचर भी कम होता गया, लेकिन अभी भी डार्क है, अभी भी कोई डार्क, अभी भी कोई लाइट वाली चीज़ नहीं आई, अभी कोई स्टार जैसी चीज़ नहीं आई है जैसे हमारा सन। फिर इसके बाद का चीज़ क्या है वो हमें नहीं पता, इसे बोलते हैं मिसिंग लिंक। इस पीरियड में कुछ चीज़ें बनी लगी जो हमें नहीं पता कहाँ से बनी है, जैसे क्वार्क्स बने, लैप्टॉन्स, पोसॉन्स, न्यूट्रीनोस, तो ये सारी चीज़ें बनी, अब वी डोंट नो ये कहाँ से बनी, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिसिंग लिंक। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे बने, देखो हमने देखा क्वार्क्स, क्वार्क्स ये सिक्स टाइप्स के होते हैं, सिक्स टाइप्स में ये तीन अप क्वार्क होते हैं एंड तीन डाउन क्वार्क होते हैं। अगर प्रोटॉन बनाना हो तो प्रोटॉन बनते हैं 2 अप क्वार्क + 1 डाउन क्वार्क एंड न्यूट्रॉन के लिए इसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं एंड +1 अप क्वार्क होता है एंड ये बनाते हैं न्यूट्रॉन। एंड लैप्टॉन्स भी सिक्स टाइप्स के होते हैं, तो जो हमारे लैप्टॉन्स होते हैं दिस इज ऑल्सो मेरा सिक्स टाइप और ये लैप्टॉन्स बनाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमें नहीं पता क्वार्क्स एंड लैप्टॉन्स कहाँ से आए, दिस इज इन द पार्ट ऑफ द मिसिंग लिंक, इसमें 3 अप डाउन एंड 3 डाउन क्वार्क बनते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना, और जब ये फ्यूज करें तो हीलियम बना, एंड हीलियम बना फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी निकली। अब हमारे स्टार की स्टार स्टार्ट हुए, तो अब इसके बाद अभी जो सब कुछ डार्क था अब उसमें लाइट आने स्टार्ट हो गई, बिकॉज स्टार्ट बन गए बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड जैसे हीलियम बना एनर्जी जनरेट हुई, जिससे हमारे स्टार्स बने। आज भी हमारे जो सन है उसमें आज भी न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू है, इससे ही एनर्जी आती है, इससे ही लाइट जनरेट होती है सन की। तो हमें कैसे पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो इसकी एक थ्योरी है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर लाइट इफेक्ट से पता चलता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो इसमें डॉपलर लाइट इफेक्ट में दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो रेड शिफ्ट इफेक्ट एंड ब्लू शिफ्ट इफेक्ट। मतलब अगर कोई चीज़ दूर जाती हो मतलब वो रेड होती जाएगी, रेड होती जाएगी, क्योंकि अगर हमारा प्रिज्म देखें तो प्रिज्म में जब लाइट टूटती है तो कितने कलर में टूटती है, विव ग्योर, तो विव ग्योर में टूटती है। तो कोई अगर लाइट अगर हमारी रेड हो गई, अगर उसका कलर रेड बढ़ता जा रहा है मीन्स वो चीज़ दूर जा रही है। और फिर ब्लू कलर हम ब्लू कलर के लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर है, ज़्यादा दिखता है। तो अगर ब्लू कलर बढ़ता जा रहा है मतलब कोई चीज़ हमारी पास आ रही है, तो अगर रेड कलर बढ़ रहा है तो वो चीज़ दूर जा रही है, एंड ब्लू कलर बढ़ा बाहर आ रही है। अगर हम अपना देखें अपने यूनिवर्स का अगर कलर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें रेड कलर में टाइम इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है, दिस मीन्स हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है।
थ्रू द रेडशिफ्ट इफेक्ट, किसे पता चलता है? डॉपलर लाइट इफेक्ट। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें उनमें से 90% चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है, उसे बोलते हैं हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। तो डार्क मैटर क्या होता है? जैसे यूनिवर्स के बीच में कुछ डार्क मैटर जैसी जगह होती है जो जो आसपास जो प्लैनेट्स में लगे रहते हैं, सोलर सिस्टम में गैलेक्सीज होती है, वो आसपास इसी डार्क मैटर के अराउंड अट्रैक्शन में एक साथ बनी रहती है। तो दिस इज अ डार्क मैटर। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होती है डार्क एनर्जी जो इन प्लैनेट्स को थोड़ा दूर ले जाती है इससे, डार्क मैटर से। तो इसे बोलते हैं डार्क एनर्जी। हमें इसके बारे में 90% ऑफ द यूनिवर्स के बारे में नहीं पता है, दैट इज डार्क मैटर डार्क एनर्जी। बट इस स्पेकुलेशन से डार्क मैटर के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, सन होते हैं, वो सारे इसके अराउंड घूमते, कोई गैलेक्सीज इसके अराउंड बाउंड रहती है, एंड इसकी कोई एनर्जी होती है जो इनको दूर ले जाती है डार्क मैटर से, इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। पार्टिकल फिजिक्स हमने देखा, पार्टिकल फिजिक्स क्या है? स्टडी है ऑफ द मैटर, रेडिएशन एंड अट्रैक्शन बिटवीन दैम, इट इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स को हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हाई एनर्जी? हाई एनर्जी फिजिक्स बिकॉज दिस एलिमेंट्री पार्टिकल डू नॉट अकर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं ये जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल फिजिक्स वाले क्या करनी करते हैं, या तो ये हो गए एटम्स में या इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एंड इसकी अगर आपको अंदर जाना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करके इनको जनरेट करना पड़ेगा, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट हम कहाँ पे करते हैं? सन। तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम करते हैं, तो इसलिए इनको एनर्जी, हाई एनर्जी फिजिक्स बोलते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी का यूज करके एलिमेंट जनरेट करने पड़ते हैं। इनको स्टडी करना, यू हैव टू जनरेट थ्रू एक्सपेरिमेंट, एंड इट कैन बी क्रिएटेड डिटेक्टिव थ्रू एनर्जेटिक कोलिजन। अभी हम एनर्जेटिक कोलिजन पढ़ेंगे, हाउ वी डू दैट, एंड थ्रू द पार्टिकल ड्यू पार्टिकल एक्सेलरेटर से। हम पार्टिकल एक्सेलरेटर से इतनी जोर से इसको ले जाते हैं, कोलिजन कराते हैं, जिसकी वजह से ये टूट के अपने सबर्टिकल पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो इसके हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स को। हम टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्वांटम फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को क्वांटम फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल्स भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल में क्या होता है? हम एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स। सो क्वार्क्स, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स। एंड जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है फिजिक्स का, ये बताता है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, दैट इज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। विद न्यूअर डिस्कवरी एंड प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, इट इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज़, काफी न्यूज़ में रहता है, बिकॉज यहाँ पे नई डिस्कवरीज होती रहती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नोइंग द बेसिक इज अंडरस्टैंडिंग द रिसेंट डिस्कवरी, कि जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रॉन पार्टिकल एंड मासेस, हमें न्यूट्रॉन पार्टिकल के बारे में पढ़ना है इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, एंड इसे क्वांटम फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। एंड ये किसको आइडेंटिफाई करता है? एलिमेंट्री पार्टिकल, क्वार्क, लेप्टॉन्स एंड बोसॉन्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर जो स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी है, इसका रेलेवेंस कब पड़ा? जब हमें हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में पता चला। हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई किसकी? ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स को देखने के लिए लीगो ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है काफी जगह, विल स्टडी अबाउट इट एज वेल। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, बिग बैंग एक्सपेरिमेंट एट सर्न। पार्टिकल रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया भी एसोसिएटेड मेंबर है सर्न का। इंडिया इज एन एसोसिएटेड मेंबर ऑफ सर्न, एंड आई टॉक अबाउट द सर्न इन द फ्यूचर। तो नाउ टॉक अबाउट, हमने एंटी मैटर देख लिया। एंटी मैटर में क्या होता है? मास एंड वॉल्यूम सेम होता है, बस चार्ज अलग होता है मैटर का। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का एंटी मैटर क्या है? एंटी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का एंटी मैटर क्या है? एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन, एंड प्रोटॉन का है एंटी प्रोटॉन। तो क्वार्क्स के बारे में देखा, व्हाट क्वार्क्स? हमने देखा सिक्स टाइप के क्वार्क्स होते हैं, सिक्स टाइप के क्वार्क्स होते हैं। इसमें तीन अप क्वार्क्स होते हैं एंड तीन डाउन क्वार्क्स होते हैं। एंड अगर तीन क्वार्क्स अगर बना हो, अगर टू और मोर क्वार्क अगर कोई बनाते हैं, चीज बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं, कोई पार्टिकल बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हैड्रॉन। तो मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैड्रॉन है, बिकॉज इसमें क्या होता है? प्रोटॉन में होता है हमारा दो अप क्वार्क एंड प्लस वन डाउन क्वार्क, एंड न्यूट्रॉन में होता है हमारा टू डाउन क्वार्क प्लस वन अप क्वार्क। तो दोनों ही हमारे हैड्रॉन है, एंड वो हैड्रॉन, हैड्रॉन में क्या हो सकता है? हैड्रॉन में तीन से ज्यादा होना चाहिए, तीन या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर। और अगर वो हैड्रॉन जो तीन के बने, उन्हें बैरियंस होते हैं, तो बैरियंस, तो मतलब जो हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो बैरियंस भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन क्वार्क्स बने हुए हैं, तो इसे बोलते हैं बैरियंस। तो लेप्टॉन्स की बात करें, तो जैसे क्वार्क्स छह टाइप होते हैं, वैसे लेप्टॉन भी सिक्स टाइप्स के होते हैं, एंड इनके पास कोई फंक्शनल चार्ज नहीं होता, डू नॉट हैव एनी फंक्शनल चार्ज। एंड लेप्टॉन्स अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन, म्यून, म्यून एंड टाउ, प्लस इसमें तीन टाइप के न्यूट्रॉनोज भी होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोज। अब हम देखते हैं बोसॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो बोसॉन एक कलेक्टिव नेम है गिविंग टू द पार्टिकल दैट कैरी फोर्सेस। उन पार्टिकल को नाम दिया गया है बोसॉन जो क्या कहते हैं, दैट कैरी द फोर्सेस, एंड इट बी नेम आफ्टर द साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। तो ये बोसॉन पार्टिकल किसके नाम रखा है? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे। तो ग्रेविटी एज अ फोर्स ऑफ नेचर यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी को फोर्स नहीं मानती है, लेकिन बोसॉन पार्टिकल मानता है। तो अगर देखिए यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एंड वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटी। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स एंड वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटी। नाउ टॉक अबाउट द 1981 की एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक आई थी 1981 में, ये थी एलन गुथ। ये थ्योरी एलन गुथ, इसमें बोला जाता है जब बिग बैंग हुआ था,
तो बहुत ही ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन हुआ था यूनिवर्स का. सो आफ्टर द फेज ऑफ द वेरी आफ्टर द बिग बैंग देयर वाज अ फेज ऑफ वेरी रैपिड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स का बहुत रैपिड एक्सपेंड होता है एट द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट. मतलब जो एक्सपेंशन हो रहा था उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा थी. वी सेंड रिपल्स मींस प्रीमोडियल ग्रेविटेशनल वेव दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइजेशन ऑफ यूनिवर्स कॉजिंग द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द कॉस्मिक स्पेस. सो हो रहा था कि जो प्रीमोडियल जो ग्रेविटेशनल वेव्स जा रही थी बिकॉज वहाँ पे स्पीड थी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा थी. एंड जिसकी वजह से रिपल्स सेंस हो रही थी. रिपल्स क्या थी? ये प्रीमोडियल ग्रेविटेशनल वेव्स थी एंड देयर रिस्पॉन्सिबल पोलराइजेशन ऑफ यूनिवर्स. इनकी वजह से स्पेस का पोला जो यूनिवर्स का हो गया पोलराइजेशन. एंड इससे क्या हुआ? हमारा जो यूनिवर्स हुआ स्ट्रेच हुआ स्क्वीज हुआ. तो ये हमारी कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन. तो फिर से देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जस्ट आफ्टर द बिग बैंग देयर वाज अ फेज ऑफ वेरी रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट विच सेंड रिपल्स प्रीमोडियल ग्रेविटेशनल वेव दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइजेशन ऑफ द यूनिवर्स कॉजिंग स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द कॉस्मिक स्पेस.